हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है मानर पूजा और मटकोरवा, और मैं अपने गांव आ गई हूँ और मैं तैयार हूँ। हमारे यहाँ आज के दिन नथ और टीका पहना जाता है और जो ढोल होता है उसकी पूजा की जाती है। तो ये ढोल आ चुका है और मैं तैयार हूँ पूजा के लिए। हमारे घर में जो गिरहरी करते हैं ना, उन्हीं को बहुत सारी रस्में करनी पड़ती हैं। और ये मैंने एकदम न्यू साड़ी खरीदी है येलो कलर की, और ये मेरी जेठानी है जो मुझे सिंदूर लगाएंगी। हमारे यहाँ कोई मतलब फेस्टिवल हो या और कुछ हो तो हमारे नाक से सिंदूर दिया जाता है। तो ये रस्म करने से पहले यही अभी लगाया जा रहा है। और ये मैंने शादी के लिए पीले रंग की साड़ी खरीदी है जो एकदम न्यू है। मुझे सारी रस्में इसी साड़ी में करनी है और इसे जूठा नहीं करना है। रस्म करने के बाद ये साड़ी और चूड़ी उतार देनी है, फिर हम दूसरी साड़ी पहनते हैं तब उस पर खाना खाते हैं, क्योंकि इसी साड़ी में घिढ़री भी करना है। तो यहाँ रेडी हूँ मैं, और अब यहाँ होगी ढोलक की पूजा। मेरा घर है जिसे शादी में सजाया गया है। पूजा होगी, इसमें सिंदूर लगाया जाएगा और इसमें पान अक्षत सुपारी पैसे रखे जाएंगे, क्योंकि मुझे आंचल में 5 बार लेना है। उसके बाद 5 और औरतें भी करेंगी, और उसके बाद जब लास्ट में मुझे ये चावल आंचल में लेकर उसे बांधना है, जो मैं बहू आने के बाद उसे खोलकर जल में प्रवाहित करूँगी। वो 5 दिन तक मेरे आंचल में बंधा रहेगा। ये देखिए, अब हम आ गए हैं मट्टी खोदने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर पर। और यहाँ पर ये जो कुदार होता है उसकी पूजा की जाती है पहले, और फिर उसी से मट्टी खोदा जाता है। ये मट्टी हमारे घर की बेटियाँ खोदती हैं, तो अभी मैं पूजा करूँगी और वो मट्टी खोदेगी। इसी मट्टी को हमारे यहाँ जो मंडप बनता है उसमें जो कलश होता है उस कलश के नीचे रखा जाता है। इस मट्टी को खोदने के लिए मेरे घर की बेटी है जो आई हुई है।
नहीं उस तरह कर।